झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का पलटफीर बेधड़क जारी है। भाजपा और अन्य पार्टी को छोड़ने के साथ दर्जनों नए युवा कार्यकर्ता झामुमो का दामन थाम रहे हैं। इसी क्रम में आज काटीकुंड स्थित सांसद आवास पर शिकारीपाड़ा विधानसभा प्रत्याशी आलोक सोरेन, जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बिस्रा की उपस्थिति में दर्जनों युवाओं ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें तिलियाचक बाजार निवासी दिलीप मंडल, बसंत नाग, संदीप मंडल, भूमल नाग, काजल कुमार लायक, अशोक दे, गौरव भगत, नीरज गुप्ता, नरेश मोदी, संजीव मंडल, दीपक भगत, सोहन मंडल, सौतम मंडल, जीवन सेन, मनोजीत मंडल, गणेश भंडारी, सुमित भगत, राजू मंडल, निशिकांत मंडल, सुदीप भगत, नवीन रजक, दीपक नाग, संदीप भगत, मनोज सोनार शामिल हैं। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बिस्रा, शिकारीपाड़ा विधानसभा प्रत्याशी आलोक सोरेन, सांसद प्रतिनिधि जॉन सोरेन, प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल जब्बार ने पार्टी का पट्टा पहनकर एवं बुके देकर सभी नए कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया। मौके पर जिला अध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि श्री सोरेन ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीति एवं सिद्धांतों से अवगत कराते हुए समर्पण भाव से पार्टी के प्रति अपनी भूमिका निभाने की अपील की। मौके पर झामुमो के वरिष्ठ कार्यकर्ता रविंद्रनाथ लाहा, हेमंत भगत, संतोष सेन, रजनीश कुमार, मलय मोदी, मानवील मुर्मू, रोशन भगत के साथ अन्य मौजूद थे। वहीं झामुमो प्रत्याशी आलोक सोरेन और कार्यकर्ताओं ने अपने संबोधन में क्या कहा, आगे खबर में देखिए। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आप सभी का इतने बड़ी संख्या में झामुमो में योगदान देना, क्या कहना चाहेंगे आप? झामुमो जो है कि इस बार बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है, इस वजह से हम लोग झामुमो ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कि मैया सम्मान योजना से लगभग सभी महिला जुड़ी है। मेरे घर के भी 5 महिला इससे जुड़ी हुई है। देखो, सम्मान राशि के तौर पर 1,000 रुपया मिल रहा है। और आपका जैसे पुराना बिजली बिल माफ, रोड जो है हमारे काठीगुंड प्रखंड में, मतलब कहीं भी जाइएगा आपको रोड बहुत ही अच्छा मिलेगा। और पिछले जो सरकार थी है आपके रघुवर दास की, तो वो लास्ट समय में लगभग 5 लाख बीपीएल कार्ड वो काटने का काम किया था, जिससे गरीब लोग बहुत ही नाराज थे। और जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने तो लगभग 10 से 11 लाख ग्रीन कार्ड जो कि है झारखंड के लोगों को प्राप्त हुआ है। इससे ही पता चलता है कि जो बीजेपी की जब भी सरकार बनती है वो अमीर लोगों की सरकार है, गरीब लोगों की सरकार नहीं। और हेमंत सोरेन जो है हम लोग के जमीन से जुड़े गरीब लोगों को अच्छा काम करते हैं, इस वजह से हम लोग जनरल ज्वाइन किए। आगामी चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आप? बहुत ही अच्छा सोच है हमारे उम्मीदवार आलोक भैया, जो कि युवा है और हम लोग युवा हैं, युवा से जुड़कर बहुत अच्छा तरीका से काम करेंगे। यहाँ से तो हर समय जमे जीतते ही रह रहा है और इस बार हम लोग चाहेंगे कि बहुत ही वोट प्रतिशत को बढ़ाएं और आलोक भैया को फिर से विधायक बनाना है। अब एक पीढ़ी का अंत हो रहा और एक पीढ़ी शुरुआत होने वाली है और पार्टी ने आप पर भरोसा करके आपको टिकट दिया, तो आप कैसे इस पर खड़े उतरने का प्रयास करेंगे? हमारी जो सोच है नई पीढ़ी, खास करके नया जनरेशन, तो हम चाहते हैं कि यहाँ हमारे क्षेत्र में नया जनरेशन आगे बढ़े, रोजगार का अवसर मिले और जो जिस निष्ठा से, जिस ताकत से मेरे पिताजी यहाँ के जो विधायक थे, अब सांसद बन गए, वो काम किए हैं, उसी लगन के साथ यहाँ के विकास के लिए काम करूंगा, शिकारीपाड़ा के विकास के लिए। किस प्रकार की चुनौती देखते हैं आप चुनाव में? चुनौती ऐसा सच कुछ नहीं है, हम पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा शिकारीपाड़ा से जीती थी, इस बार भी जीतेगी। अब तय ये करना है कि वोट का जो मार्जिन है वो ज्यादा रहे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद अन्य दलों के कार्यकर्ताओं का झामुमो में अपना योगदान देना, इस चीज को कैसे देखते हैं? स्वागत है उनका, झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी है, सब यहीं के हैं, हम सबका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं सब हम लोग सब मिल करके झारखंड को विकास की ओर आगे ले जाएंगे, सबका विकास करेंगे।